Hello friends, welcome to ProTalent and this is our score booster session on English vocab part. Okay, dear students, I need to discuss a very important point here with you that if you are putting on a daily basis some efforts for your English, agar aap roz roz apne English vocab ke upar aap mehnat kar rahe, which is just you can say 20 to 30 minutes, okay, kareeban 15-20 minute ye video ka rahega aur 10 minute uske sath jo questions diye gaye उसको करना रहेगा. बिलीव मी ऑन 12th ऑफ मे आपको इसका जो बेनिफिट दिखेगा वो काफी बड़ा होगा. ठीक है, रोज रोज का काम, छोटा छोटा रोज रोज का काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अगर आप रोज रोज का काम नहीं करेंगे, अगर आप इस तरीके से तैयारी नहीं करेंगे तो पक्का आपको दिक्कत हो सकता है. ओके, सो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा मॉड्यूल आता है, ठीक है, और रोज रोज है, बिल्कुल फायदा होगा. ओके चलिए, ग्रेट. सो वी टॉक अबाउट द स्कोर बूस्टर, है ना, दिस इज मॉड्यूल नंबर 6 एंड वी टॉक अबाउट द, यू कैन से, फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू सी एंड डी. पहला वर्ड है कॉपियस. ओके, कॉपियस विच मीन्स इन लार्ज नंबर और इन लार्ज क्वांटिटी. ओके, सो यू मे बी थिंकिंग दैट यू विल हैव टू मैनेज विथ copious number of movies after your CLAT exam, okay, या after our IIPM exam, क्योंकि बहुत सारी series देखना बाकी हो गई होगी, yes or no, बहुत सारे movies देखना बाकी होंगे, ठीक है, बात बराबर है भैया, अगले कुछ महीने सोचो मत, बाद में सब मौका मिलेगा, and you possibly go for binge watching. क्या बोलते हैं अपन उसको, binge, मतलब continuous 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन एक जगह बैठे बैठे पूरे के पूरे सीरीज और वीडियोस खत्म कर देना, बट अभी तो नहीं. ओके, सो कॉपियस, दैट्स अ लार्ज इन नंबर एंड क्वांटिटी, एबंडेंट. ओके, ProTalent प्रोवाइड्स यू कॉपियस वीडियोस, सो दैट इज एबंडेंट नंबर ऑफ वीडियोस. अगला वर्ड है कोरोबोरेट. कोरोबोरेट करना, दैट इज टू एस्टेब्लिश और स्ट्रेंथन विद अ न्यू एविडेंस और विद फैक्ट्स इन द कोर्ट. अपनी बातों को प्रूव करना विद द हेल्प ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू फैक्ट्स और न्यू एविडेंसेस. ओके, सो दिस इज, यू कैन से, यू आर बिकमिंग वेरी सर्टन और यू मेक अदर्स मोर सर्टन और कंफर्म विथ न्यू एविडेंसेस. ओके, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर. अगला वर्ड है कोरोजन. कोरोजन का मतलब होता है कोई चीज को करोड़ कर देना. अ स्टेट ऑफ डिटेरियोरेशन प्राइमरली ऑफ मैटर कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन और केमिकल एक्शन. ठीक है, बहुत बार आप ऐसा सोचते हैं कि आपका दिमाग भी करोड़ हो चुका है, ठीक है, करोजन हो गया है. क्यों? क्योंकि उसको सही तरीके से यूज नहीं किया है. वोकैब के लिए ये तो बहुत ज्यादा रिलेवेंट पॉइंट है, ठीक है, कि अगर आप रोज रोज वोकैब की तैयारी नहीं करेंगे तो भैया पक्का दिमाग करोड़ हो जाएगा और नए वर्ड आएंगे तो पता ही नहीं चलेगा. सो दिस इज कॉल्ड करोजन. अगला वर्ड है कोवर्ट. क्या वर्ड है? कोवर्ट. उसका अपोजिट क्या होगा? ओवर्ट. ओवर्ट इज एन ओपन. ओके, कोवर्ट मीन्स क्लोज्ड. ओके, वेरी सिंपल थिंग. कोवर्ट ऑपरेशन है, सीक्रेट ऑपरेशन है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोवर्ट. देर आर मेनी कोवर्ट ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल अभिनंदन वेंट टू पाकिस्तान अंडर अ कोवर्ट ऑपरेशन. सो उनके जो वीडियो आए थे, ही डिड नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग बिकॉज ही वॉज अंडर कोवर्ट ऑपरेशन, सीक्रेट, हिडन, और इट वॉज डिस्गाइज. अपोजिट क्या होगा? ओवर्ट और ओपन. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है. कोवेट. ओके, कोवेटेड आता है उसके ऊपर से वर्ड, कोवेटेड. ओके, सो दैट देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज, इट इज माय विश. कोवेट इज अ विश, आई एम लॉन्गिंग फॉर इट. टू लॉन्ग फॉर समथिंग, दैट इज टू वॉन्ट इट. विश फॉर इट, टू वॉन्ट इट. ओके, एंड देन यू क्रेव फॉर समथिंग, यू लाइक इट. ओके, सो यू आर क्रेविंग. ओके, यू आर क्रेविंग फॉर शुगर, है ना, रोज रात को खाना खाने के बाद, ठीक है, कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है, दैट इज कॉल्ड क्रेविंग फॉर दैट शुगर. दिस इज कॉल्ड विश करना, कोवेट. ओके, और उसके ऊपर से वर्ड बनता है कोवेट. सो देयर इज अ कोवेटेड डिग्री कॉल्ड LLB इज व्हाट एवरीवन ऑफ यू इज वेटिंग फॉर. सो दैट मींस इट इज, यू हैव अ विश,
कि काश मुझे एनएलयू बैंगलोर में एडमिशन मिल जाए, नालसर हैदराबाद में मिल जाए, ठीक है। सो बिल्कुल आपकी विश पूरी होगी, रोज रोज मेहनत करे तो ही होगी, अपने आप तो नहीं होगी। अगला वर्ड है कोवर। कोवर का मतलब होता है टू क्राउच और श्रिंक अवे, यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ फियर और शेम। ओके, सो यू कोवर्ड ओवर समथिंग, दैट मीन्स यू ट्राई टू लीव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ फियर और बिकॉज ऑफ शेम। ओके, सो बहुत बार स्टूडेंट मैथ्स की वजह से डर जाते हैं और वो अपनी पूरी जो एक तरीके से जो पूरी पॉसिबिलिटी है काम करने की वो नहीं करते हैं। ओके, या तो कोवर का एक और मतलब होता है छुप जाना, छोटा बन जाना ताकि लोगों में दिखे नहीं। ओके, सो बहुत बार जब शेमफुल एक्टिविटी कोई हो जाती है और जब पब्लिक में पूछा जाता है किसने किया, तो एक आदमी अपने आप को छुपाता है, सो दैट इज कॉल्ड कोवर। ओके, सो दैट इज इधर यू अवॉइड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज और यू ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउड। ओके, सो दैट इज कॉल्ड श्रिंक अवे, दैट मीन्स छोटा हो जाना, श्रिंक। ओके, सो दिस इज हाउ द कोवर। नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस में रूट वर्ड बनता है क्रेडो। क्रेडो का मतलब होता है बिलीव। ओके, सो बिलीव इज कॉल्ड क्रेडो, उसके ऊपर से वर्ड निकला क्रेड्यूलस। एक और वर्ड निकला क्रेडिबल। ओके, क्रेडिबल का क्या मतलब होता है? विश्वसनीय, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड क्रेडिबल। सो उसका अपोजिट क्या होगा? गलत, जो आप सोच रहे हो, यू मस्ट बी थिंकिंग इट इज इनक्रेडिबल। भाई इनक्रेडिबल इज नॉट द अपोजिट, अनक्रेडिबल इज द अपोजिट ऑफ दिस क्रेडिबल। ओके, क्रेडिबल का अपोजिट है। सो क्रेडुलस कैसा बंदा है? जो आसानी से दूसरों की बात मान लेगा, गलीबल बोलते हैं, नाइव बोलते हैं, ठीक है, जो इजीली उल्लू बन जाएगा, ऐसे बंदे को बोलते हैं क्रेडुलस। बहुत बार हम पब्लिक प्लेस में होते हैं और कुछ परेशानी वाली सिचुएशन होती है जब हमें लगता है कि भाई अपन फंस सकते हैं, सो वी बिहेव लाइक क्रेडुलस, है ना, और हम गलीबल दिखते तो है पर हम होते नहीं है, ठीक है। बहुत बार स्कूल में और कॉलेज में ऐसा अपन बहुत बार करते हैं, ठीक है, एकदम गलीबल दिखते हैं कि भाई हमको तो क्या पता, हमको तो आता ही नहीं है, ठीक है, दिस इज व्हाट वी ट्राई टू डू। अगला वर्ड है कल्पेबल। सो कल्पेबल का मतलब हो गया किसी को ब्लेम देने के काबिल। ओके, सो दैट इज बेसिकली डिजर्विंग ऑफ ब्लेम और क्रिटिसिज्म, उसको सेंश्योर करने के काबिल, क्रिटिसाइज करने के काबिल। सो दैट मींस उसने गलती करी है, दिस इज हाउ दी कल्पेबल वुड बी। ओके, सो कल्पेबल डिजर्विंग ऑफ ब्लेम और क्रिटिसिज्म और इट इज डिजर्विंग सेंश्योर, दैट्स कॉल्ड कल्पेबल। अगला वर्ड है कल्चर्ड। कल्चर्ड का मतलब हो गया समवन इज वेरी सोफिस्टिकेटेड, पढ़ा लिखा है, एनलाइटन्ड है, ओके, जिसको ज्ञान मिल चुका है, एंड देन इट इज मार्क्ड बाय रिफाइनमेंट ऑफ टेस्ट एंड मैनर्स, ठीक है, उसको बोलते हैं कल्चर्ड। एक वर्ड है उसका अर्बेन। ओके, सोफिस्टिकेटेड, सुवाव, ये तरीके के वर्ड उसके अंदर बनते हैं। अगला वर्ड है कनिंग। लोमड़ी होती है भैया, एक लोमड़ी के बारे में सुना होगा, है ना, लोमड़ी क्या करती है? कनिंग है, चालाक है, ठीक है, इट इज मार्क्ड बाय स्किल इन द डिसेप्शन इन अ स्लाई मैनर। ओके, सो वी हैव इन अवर पॉलिटिक्स अमित शाह इज नोन एज अ कनिंग पॉलिटिशियन, ठीक है, ही इज रेडी टू अटैक ऑन एनीवन। ओके, सो ही इज सो मच, यू कैन से, मतलब सो मच कनिंग दैट लोग उससे डरते हैं। ओके, सो इट इज मार्क्ड बाय स्किल इन डिसेप्शन इन अ स्लाई मैनर। अगला वर्ड है कर्मजियन। क्या वर्ड है? कर्मजियन। कैसा बंदा है? कैंटेंकरस। ये एक आदमी के लिए यूज होता है, ऐसा आदमी जो हमेशा उसका जो टेम्परामेंट है वो हमेशा बुरा रहता है, ठीक है, इट इज बैड टेम्पर्ड ओल्ड मैन फुल ऑफ स्टबर्न आइडिया। ओके, तो कहीं अपन मार्केट में जाते हैं और कहीं लाइन में खड़े, ठीक है, तो वहां पे ये कभी कभार ओल्ड लोग होते हैं, ओल्ड और बैड टेम्परामेंट वाले होते हैं और वो फिर हमें बड़ा परेशान करते हैं, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड बैड टेम्पर्ड ओल्ड पर्सन फुल ऑफ स्टबर्न आइडिया, सो दैट इज कॉल्ड कर्मजियन। याद रखिएगा, बहुत काम का वर्ड है, बहुत सारी जगह पे एग्जाम में यूज होता है, कर्सरी
ऊपर ऊपर से सतही तौर पे हेस्टिली विदाउट अटेंशन टू डिटेल. दिस इज कॉल्ड कर्सरी. ओके, सो गोइंग थ्रू वर्ड्स इन अ कर्सरी मैनर, दैट इज मूविंग इन अ वेरी हेस्टी मैनर विदाउट गिविंग एनी अटेंशन टू डिटेल, दिस इज कॉल्ड कर्सरी. अगला वर्ड है सिनिकल. सिनिकल का मतलब होता है स्केप्टिकल. क्या वर्ड है? स्केप्टिकल. स्केप्टिकल का ऐसा भी स्पेलिंग होता है, ठीक है, ऐसा भी स्पेलिंग होता है. ओके, सो स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल. ऐसा बंदा जो चीजों पे डाउट क्रिएट करता है कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा नहीं होगा. सो ही इज बिलीविंग इन द वर्स्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड मोटिव्स. सो ये मानता है कि ये तो बर्बाद ही होगा. सो ही इज वेरी पेसिमिस्टिक एंड नॉट ऑप्टिमिस्टिक. ओके, सिनिकल इज अ डाउटफुल पर्सन. जनरली द साइंटिस्ट है ना, इनकम टैक्स के लोग है ना, सीए, ये सब कैसे लोग है? सिनिकल लोग है. ये हमेशा डाउट क्रिएट करते रहते हैं कि ये जो दिख रहा है वैसा सही में चीजें नहीं है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड सिनिकल. अगला वर्ड है डैम्प. ओके, डैम्प दैट मीन्स कोई पर्टिकुलर चीज का फोर्स या उसकी जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस कर देना. ओके, सो the kind of arguments being provided by him, he dampened the entire environment. पूरा environment बहुत खुशी वाला था और उसने कोई ऐसा argument दे दिया जिसकी वजह से पूरा का पूरा impact कम हो गया. Okay, so this is lessen in the force or effect or deaden. This is called damp. Okay, so this is how the meaning called dent. अगला word है daunt. So daunt is basically to intimidate करना, fearful होना. So this is basically क्या होगा? To fear. ओके, एंड डोंट लेस एटीट्यूड होना, मतलब कैसा होना? बगैर डरे हुए. ओके, ही कंटिन्यूड टू पुट एफर्ट्स फॉर क्लैट प्रिपरेशन डॉन्टलेसली, दैट मीन्स विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर. ही एक्चुअली ओवरकेम द फियर, है ना. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से द डॉन्टलेस टास्क ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम. ओके, दे हैव डिफीटेड इंडिया आफ्टर टू लॉस. ओके, दो बड़े लॉस होने के बाद आखिरी की तीन मैचेस बड़े पावरफुल तरीके से जीती, एंड दैट इज कॉल्ड डॉन्टलेस. ओके, अगला वर्ड है दर्थ. दर्थ का मतलब होना कोई चीज की स्कैर्सिटी होना. देयर इज अ दर्थ ऑफ लीगल टैलेंट इन अवर कंट्री, एंड देयरफॉर स्टूडेंट्स लाइक यू हु वुड लाइक टू डेवलप गुड लीगल टैलेंट पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द अपब्रिंगिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस लीगल फ्रेटर्निटी. सो दिस इज दर्थ. कोई चीज का सफिशियंट क्वांटिटी और नंबर नहीं होना, दैट मीन्स स्कैर्सिटी होना, कमी होना कोई चीज की. अगला वर्ड है डिबेकल. डिबेकल इज अ कंप्लीट फेल्योर, अ टोटल कोलैप्स, दैट्स कॉल्ड डिबेकल. आई एम श्योर यू नो दिस वर्ड. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, क्लैट 2015 वॉज अ डिबेकल, was a fiasco. Okay, so it was a complete failure. Okay, so this is how it is termed. Agla word hai debase. Debase karna, koi cheez ko kharab karna, impure karna, adulterate karna, primarily kisi ke character or quality ko bura karna, that is called debased. Okay, so that is called debase. Ruin in character or quality. Agla word hai debauchery. Debauchery ko bolte hai एक तरीके से सेल्फ इंडल्जेंस, अपने ही जिंदगी में मटेरियलिस्टिक प्लेजर में रहना, अपने आप को मॉरली करप्ट कर देना, सोशली करप्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड डिबॉशरी. ओके, कोई गलत गलत रिलेशन में घुस जाता है, इसको बोला जाता है डिबॉशरी. करप्शन होना, सेल्फ इंडल्जेंस होना, दिस इज हाउ द डिबॉशरी वुड बी. ओके, करप्शन, सेल्फ इंडल्जेंस. ओके, सो सेल्फ इंडल्जेंस की वजह से करप्शन होता है, और आउटकम क्या होना चाहिए? बुरा. ओके, मॉरल चीजों के खिलाफ, ठीक है, नॉर्मली जो एक सत काम होना चाहिए उसके जगह पे गलत काम होना, दिस इज कॉल्ड डिबॉशरी. अगला वर्ड है डेसिबल. डेसिबल इज बेसिकली अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर लाउडनेस ऑफ द साउंड. साउंड के लाउडनेस का ये यूनिट है डेसिबल, जिसको पॉपुलरली ये लोग डीबी करके लिखते हैं. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि ये डीबी, ओके, साउंड का ये मेजरमेंट का यूनिट है. ओके, कभी कभार कोई पर्टिकुलर साउंड के ऊपर हम चीजों को सुन नहीं पाते हैं और उसके नीचे हम सुन नहीं पाते हैं. ओके, या उस पर्टिकुलर डीबी डेसिबल लेवल से अगर ऊपर जाएगा तुम्हारे कान फटे जाएंगे. ओके, सो टेल मी व्हाट इज द रेंज ऑफ, यू कैन से ह्यूमंस ईयर्स, यू कैन से डेसिबल लेवल. ओके, हम कितना सुन सकते हैं
वो फटाफट आप मुझे बताइए. ओके चलिए ग्रेट. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल. डू नॉट मिस आउट टू टेक अ टेस्ट फ्रॉम protalentdigital.com. protalentdigital.com के ऊपर आपको ये 20 क्वेश्चन का एक मजेदार सा टेस्ट है, फटाफट ले लीजिए ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए. ओके चलिए ग्रेट. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.